मेरे प्यारे 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 दोस्त बच्चों, किंग ऑफ केमिस्ट्री सर का बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में। तो इसको जानने के पहले बच्चों मैं तीन फिगर आपको दिखाना चाहूंगा। आप समझ गए तो बहुत आराम से आप इन चीजों को बहुत आराम से समझ सकते हैं क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस और क्या होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बच्चों देखो, एक मैंने सिलेंडर लिया, पहले मैं तीन पिक्चर बच्चों बना लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे साथ आप भी बना लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ बच्चों बहुत सारे मैंने सैंड पार्टिकल्स लिए हैं। क्या लिए हैं? सैंड के पार्टिकल्स। क्या लिए हैं? सैंड के पार्टिकल्स, बालू के पार्टिकल्स। और ये है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर और ये है बच्चों गैस का प्रेशर। यहाँ बच्चों दोनों बराबर है, बराबर है तो कोई खेल नहीं होगा, बस पिस्टन वही का वही रहेगा। अब बच्चों एक सैंड पार्टिकल मैंने बाहर कर दिया, ठीक है, बाहर मैंने फेंक दिया, ठीक है, एक पार्टिकल। तो बच्चों क्या होगा, अगर एक तो मान लो फेंक दिए, मान लो एक तुमने फेंका, ठीक है, एक तुमने फेंका, तो बच्चों क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा बच्चों? तो ये जो होगा पी एक्सटर्नल डीपी से चेंज हो जाएगा, मतलब एक जो सैंड पार्टिकल है उसका प्रेशर डीपी है, हटा दिए तो डीवी चेंज होगा, तो डीवी चेंज से ये अब क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा बाई डीवी। तो बच्चों गैस एक्सपेंड करेगा, देखो एक्सपेंशन का दे दिया, मतलब गैस ऐसे मूव कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। यहां बच्चों क्या है आपका प्रेशर ऑफ गैस। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको कि एक मैंने पार्टिकल हटाया है, मात्र एक पार्टिकल, तो डीपी चेंज हुआ, डीवी चेंज। अब ऐसे ही तुम करते जाओ, एक और घोटाओ, एक और घोटाओ, एक और घोटाओ, एक और घोटाओ, तो क्या होता जाएगा बच्चों, ये का पिस्टन है देखो, ऐसे ऐसे मूव करेगा ऊपर ऊपर, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो जैसे ऊपर गया पिस्टन तो एक्सपेंड किया तो पिस्टन मूव किया तो ये वॉल्यूम बढ़ गया गैस का, प्रेशर कम हो जाएगा, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे, पिस्टन फिर रुक जाएगा, रुकने का मतलब इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ये प्रोसेस जो देख रहे हो इसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। किसी पॉइंट पर रिवर्स कर सकते हो, एक को हटाओ, दो को हटाओ, तीन को हटाओ, धीरे धीरे ये चलता जाएगा। तुम दस को हटा दिए, फिर दस को डाल दो तो वापस रिवर्स हो जाएगा। तो ये बच्चों ये रिवर्स किसी स्टेज पर रिवर्स कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि चेंज बहुत धीरे धीरे हो रहा है, धीरे 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 बहुत धीरे धीरे हो रहा है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ये बच्चों हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, हल्का हल्का चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। जब भी देखो ये क्या है, अपोजिंग है, ये क्या है, ड्राइविंग है, तो अपोजिंग एंड ड्राइविंग फोर्स में अगर वेरी स्मॉल डिफरेंस हो, प्रेशर क्या होता है, फोर्स में यही तो होता है, तो ये अपोजिंग और ये ड्राइविंग, अगर इस दोनों में बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल। एक हटाए फिर डीपी, फिर बहुत बहुत एक पार्टिकल को हटाए, फिर एक को हटाए, फिर एक को हटाए, ऐसे ऐसे डीपी डीपी डीपी, ऐसे डीवी 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 चेंज होता जाएगा। किसी पर इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन बच्चों अचानक मैंने मैक्सिमम को उठा के फेंक दिया, एक आध को छोड़ दिया, मान लो दो को छोड़ा, और देखो इतने पार्टिकल्स हैं और सबको फेंक दिए और मात्र दो बच गया, तो अचानक जब फेंकेंगे और दो से अचानक बच्चों सबको फेंक दिया, दो को रख दिए, तो अचानक क्या हो जाएगा, ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, तो बच्चों क्या होगा अभी देखो खुद से बताओ। और बच्चों मैंने क्या किया, अब यहां पे मैंने क्या किया, देख रहे हो, सिर्फ दो को छोड़ा, अब ये एक्सटर्नल, ठीक है, और ये प्रेशर ऑफ गैस। अब यहां क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि बोलोगे सर यहां पर क्या हो रहा है कि जो प्रेशर एक्सटर्नल है वो काफी कम हो गया है प्रेशर ऑफ गैस से। ये बच्चों कैसा हो जाएगा प्रोसेस, ई रिवर्स, ये कभी किसी स्टेज में अब रिवर्स नहीं होगा, ई रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा होगा बच्चों, ई रिवर्स, रिवर्स नहीं हो सके। आपकी लड़ाई आपके दोस्त से होती है रिवर्सिबल, क्योंकि दोनों बहुत स्मॉल, दोनों करीब करीब सेम है पावर के, हो लगभग, कभी तुम हावी कभी वो हावी, लेकिन आपकी लड़ाई अगर खली से हो जाए तो, खली बहुत बड़ा पहलवान जो है उससे लड़ाई हो जाए तो कैसा होगा प्रोसेस, इरिवर्सिबल। खली आएगा, खली को देखते तुम कांप जाओगे, इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं होगा कभी। खली का एक गुस्सा ऐसे पड़ा, रिवर्सिबल नहीं होगा कब, जब आप खली से लड़ोगे, लेकिन जब दो से लड़ोगे तो रिवर्सिबल होगा। खली जैसे आया, अरे बाप खली हो गया, प्रणाम करोगे भैया खली माफ करो, तो वो हो जाएगा बच्चों रिवर्सिबल, रिवर्सिबिलिटी है ही नहीं,
इस हाथ में देखो दोनों हाथ लड़ा रहा है ऐसे 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 ऐसे, करीब करीब बराबर का देखो फोर्स लग रहा है। तो देखो कभी कौन किसी पे हावी, देख रहे हो कभी किसी पे रिवर्स हो जाएगा, लेकिन दमी नहीं हो तो ये सुन हो तो हमारे गिर गया, दैट कैन नॉट बी रिवर्स। सदैव बच्चों तो देख लो रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या क्या अंतर आप समझ लीजिए, पहले अंतर समझ लीजिए। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, तो ये अपोजिंग और ये ड्राइविंग है, इन दोनों में बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इन दोनों में जो अपोजिंग है और ये ड्राइविंग है बहुत लार्ज डिफरेंस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा है, बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत समय लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में। और इरिवर्सिबल प्रोसेस बच्चों कैसा है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, इसको फाइनाइट टाइम लगता है कंप्लीट होने में। रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम हर पॉइंट पर मिलता है, देख लो हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, हर पॉइंट पर। देखो कहीं जा रहा है तो जैसे ऊपर गया फिर बाद अंदर बराबर प्रेशर, फिर जैसे ऊपर गया बाद अंदर बराबर। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट एट ईच स्टेप, बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम या तो यहां मिलेगा इनिशियली या कहां मिलेगा, फाइनली मिलेगा। बच्चों कहां मिलेगा, इनिशियल या क्या मिलेगा, फाइनली मिलेगा। बात समझ गई, या तो इनिशियल या तो फाइनल। गॉट इट बच्चों, क्लियर है यहां तक? या तो कहां मिलेगा इनिशियल या तो कहां मिलेगा फाइनल। तो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, या तो इनिशियल या तो फाइनल, कहां, प्रोसेस ऑफ इरिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है बच्चों, ये जो है ये आइडियल कहो या इमेजिनरी प्रोसेस बोल सकते, इमेजिनरी प्रोसेस, इट कैन नॉट बी सीन, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो कैसे एक चीज को तुम वॉच कर लो इसको, तो इट्स आइडियल प्रोसेस ही बोल सकते हो, इट इज एन इमेजिनरी प्रोसेस, बट इट इज नेचुरल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूं अंदर। अच्छा बच्चों एक चीज और समझ लो, रिवर्सिबल बच्चों एक्सपेंशन में वर्क होता है मैक्सिमम, रिवर्सिबल एक्सपेंशन मैंने बोला, याद करना। डब्ल्यू बच्चों क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है ना, तो ये वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो। अब खुद ऑब्जर्व करो यहां बच्चों, खुद तुम ऑब्जर्व करो कि गैस जो है ये और ये दोनों बराबर, कुछ नहीं होने वाला है, ये ज्यादा हो जाए कंप्रेस कर जाएगा। अब ये इसके लगभग बराबर कब होगा, जब डीपी का डिफरेंस हो। ये प्रोसेस कब का है, जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो, देख रहे हो ना, मतलब मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। अब ये गैस जो है इसके बराबर कब पहुंचेगा, बराबर हो जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं, जस्ट ये हल्का इससे कम होना चाहिए तब ना एक्सपेंड करेगा, ये कम होगा तो कब, कितना का डिफरेंस, डीपी का डिफरेंस। ये पूरा कंडीशन किसके लिए है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस में गैस मैक्सिमम वर्क करता है। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लिया जाए फटाफट फटाफट, चलिए बना लीजिए पिक्चर को, फिगर को बनाइए, ठीक है ना। तो मैं मिटा दे रहा हूं, साफ है बिल्कुल बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, चलिए बता दू ना, चल लिख लो कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है, इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क डन इज मैक्सिमम, वर्क डन इज मैक्सिमम। मेरे प्यारे बच्चों ये लिखिए, ठीक है एकदम मैक्सिमम लिख दिया, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, चलिए फटाफट आइए, अंतर दोनों में लिख दिया जाए। चलिए पहले लिख लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में लिख दिया जाए। चलो बच्चों लिखते जाओ, क्या क्या है अंतर, क्या क्या अंतर है बच्चों, पेन ले लिया मैंने, फर्स्ट अंतर बच्चों इन रिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज अ वेरी स्मॉल
difference between opposing force and driving force, between opposing force and driving force. Very small difference. सही बच्चों, opposing, driving, very small difference. दूसरा है क्या difference भैया? दूसरा difference बताइए. Reversible process is a very slow process. It takes infinite time for completion. हो गया, बहुत स्लो प्रोसेस बच्चों, धीरे धीरे चलता रहेगा. तीसरा बच्चों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट्स एट ईच स्टेप इन रिवर्सिबल प्रोसेस. हर स्टेज पर क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम मिलता है, बता चुका हूं पहले. और चौथा मेरे प्यारे बच्चों, चौथा क्या था? रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन इमेजिनरी प्रोसेस. इट्स एन इमेजिनरी प्रोसेस. हो गया बच्चों, रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? वेरी स्मॉल डिफरेंस होता है इसमें, अपोजिंग फोर्स में, ड्राइविंग फोर्स में. रिवर्स प्रोसेस में क्या होता है? बहुत स्लो प्रोसेस है. इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, हर समय लेता है. इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट ईच स्टेप इन रिवर्स प्रोसेस, हर स्टेप पर इक्विलिब्रियम मिलता है. रिवर्स प्रोसेस क्या होता है? इमेजिनरी प्रोसेस होता है. बच्चों नोट कर लीजिए बड़ी से. चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ई रिवर्सिबल प्रोसेस में. चलिए आ जाइए, ई रिवर्सिबल प्रोसेस. चलिए ठीक आ रहा है बच्चों वीडियो? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस ठीक है. चलो बच्चों पहला पॉइंट से बताओ क्या था, पहला पॉइंट. चलो जल्दी बताओ पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जल्दी जल्दी, फास्ट. इन ई रिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, है ना? There is a large difference between opposing force and driving force. हो गया, बहुत बढ़िया. दूसरा बच्चों, इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस. इट इज ए कौन सा? ई रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए वेरी 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 फास्ट. क्या बच्चों? वेरी फास्ट प्रोसेस एंड टेक्स finite time for completion. क्यों? takes finite time for completion. तीसरा बच्चों पॉइंट क्या था? इक्विलिब्रियम exists initially, ठीक है, and at the
ओनली इनिशियली एंड एट द कंप्लीशन स्टेज. कंप्लीशन स्टेज कहा मिलता है बच्चों? सिर्फ शुरू में एंड जब कंप्लीट होता है तब स्टेज. और चौथा मेरे बच्चों क्या था? इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. तो ई रिवर्स प्रोसेस क्या है? ई रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस. इज अ बच्चों इज अ नेचुरल प्रोसेस. क्लियर हो गया? इन ई रिवर्स प्रोसेस आप नोट कर लीजिए बच्चों. इन ई रिवर्स पेन ले लू जरा. इन इरिवर्सिबल प्रोसेस देर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स. इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस एंड टेक्स फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन. इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली इनिशियली एंड एट द कंप्लीशन स्टेज. इनिशियल में और लास्ट में फाइनल वाला जो है वहीं इक्विलिब्रियम मिलता है. इरिवर्सिबल प्रोसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस. चलिए मिटा दूं, ये भी हो गया. अब बच्चों एक चीज और बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लो. एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में, ठीक है? एक्सपेंशन का अगर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल को कंपेरिजन किया जाए इन टर्म्स ऑफ वर्क तो हम कैसे दिखा सकते हैं? देखिए बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लीजिए यहाँ पे. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, अगर मैं ऐसे लिखूँ W ऐसे लिख रहा हूँ, देखो मॉड में W रिवर्सिबल, ठीक है? W रिवर्सिबल और यहाँ लिखा एक्सपेंशन मॉड ग्रेटर देन, फिर लिखा W, फिर लिखा रिवर्सिबल, फिर लिखा इरिवर्सिबल. कैसा लिखा? इरिवर्सिबल. यहां लिखा एक्सपेंशन. तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो वर्क होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, मॉड होता है मैग्नीट्यूड वैल्यू, वो ज्यादा होता है. रिवर्सिबल एक्सपेंशन केस अगर हम ले रहे हैं तो रिवर्सिबल में जो वर्क हम ले रहे हैं वो ज्यादा होता है इरिवर्सिबल. कैसे बच्चों? तो देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ग्राफ से. देखो कर्व से देखो, ये पीवी डायग्राम होगा. तो प्रेशर है वॉल्यूम ऐसा कुछ. देखो तुमको पता है ना एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट. तो यहाँ पे क्या होता था कि पी चेंज करता जाता था. तो गैस का प्रेशर अगर ऊपर वाला चेंज कर रहे हो तो अंदर भी तो चेंज कर रहा था. तो एज द प्रेशर एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस. देखो ये प्रेशर पहले था और प्रेशर ये बच्चों हो गया तो वॉल्यूम घट गया. देखो वॉल्यूम देखो घट रहा है. देखो फिर प्रेशर यहाँ पे आ गया. फिर देखो वॉल्यूम, देखो देखो ये वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम देखो रहे बच्चों. ये प्रेशर घट के देखो प्रेशर कहाँ से यहाँ पे घट, फिर वॉल्यूम देखो बढ़ता गया. तो प्रेशर लगातार घट रहा है, अब वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है. तो ये बच्चों हो जाएगा रिवर्सिबल. कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल. हर स्टेज याद करो, हर स्टेज इक्विलिब्रियम में आता था, हर स्टेज इक्विलिब्रियम में आता था, ठीक है? तो बच्चों मान लीजिए आप कि मैंने इसको ऐसे दिखाया ए से बी. देखिए ये ए हुआ और ये बी हुआ, कोई दिक्कत नहीं. ऐसे जाता है कर्व ए से बी, ठीक है? अब देखो, अब बताओ ये है रिवर्सिबल के लिए. जैसे अगर बात करेंगे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन की तो बच्चों क्या होता था याद करो? शुरुआत होती थी, यहां है शुरुआत में याद करो, ये पिस्टन रुका हुआ है बाहर अंदर बराबर. अचानक सारे बालू को फेंक देता था, एक दो को छोड़ देता था, तो ऐसे एक्सपेंड करता अचानक. अब देखो अचानक तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर अचानक फॉल करेगा. तो देखो प्रेशर इनिशियल यहां था, अचानक फॉल करके बच्चों यहां पहुंचा. देखो अचानक बच्चों यहां पहुंचा, अचानक फॉल कर गया प्रेशर. देखो अचानक फॉल कर गया, अचानक प्रेशर बच्चों फॉल कर गया. तो जहां प्रेशर फॉल किया अचानक तो वॉल्यूम एक्सपेंड तुरंत गैस एक्सपेंड कर जाएगा. तो देखो एक्सपेंड कर गया बच्चों, ये देखो बच्चों देखो जरा ये प्यारे बच्चों देख लो कितना अच्छा बता रहा हूं मैं. तो ये देखो अचानक प्रेशर फॉल किया, अचानक फॉल किया. इसको रेट प्रेशर दिखाओ क्या? देखो बच्चों अचानक ये कैसा है? इरिवर्सिबल. देखो अचानक अचानक प्रेशर फॉल किया. क्यों फॉल किया? क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है. देख रहे हो अचानक इरिवर्सिबल. देखो ये रिवर्सिबल के लिए है, आराम आराम धीरे 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 धीरे, ठीक है? अब यहां देखो अचानक क्या हुआ? अचानक प्रेशर फॉल किया,
अचानक वॉल्यूम देखो, तुम बता ना, अचानक दिखेगा तुमको इनिशियल फाइनल। देखो तो अचानक यहां फॉल किया, वॉल्यूम बढ़ गया। साफ है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? यस, तो देख लो। और तुमको पता है कि एरिया अंडर द कर्व वर्क बताता है, तो ये एरिया अंडर द कर्व तो बता, एरिया अंडर, तो ये किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए है, पूरा एरिया ज्यादा है। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ई रिवर्सिबल के लिए है। कौन ज्यादा हुआ? रिवर्सिबल एक्सपेंशन ज्यादा हुआ ई रिवर्सिबल एक्सपेंशन से। बोलो बच्चों, क्लियर है? यस और नो? अब तुम बात करो कंप्रेशन के बारे में, बात करो कंप्रेशन, बात करते हैं। चलो डब्ल्यू रिवर्सिबल कंप्रेशन, ओहो हो, ठीक है, कंप्रेशन हो गया, छोटा हो गया बच्चों। डब्ल्यू ई रिवर्सिबल कंप्रेशन, सीओएमपी कंप्रेशन के लिए। कैसे? ऐसे ऐसे, ये तो वही रास्ता रहा, अब ऐसे हो गया, ये भी ऐसे, रास्ता तो उसी रहा ना, अब ऐसे ही जाओ। देख लो ये इनिशियल वॉल्यूम और ये फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल और ये फाइनल। अब बच्चों देखो जरा, अब देखो ये वॉल्यूम कम हो रहा है, अब देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, धीरे 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 कर रहे हो, धीरे धीरे ना, स्मॉल 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 चेंज। ये किस रिवर्सिबल के लिए? अब आओ रिवर्सिबल, अचानक प्रेशर उन्होंने बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ाओ तुम भी, बढ़ा बच्चों, बढ़ा गया। अचानक बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, आहा वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वाह। देखो ये देखो, अब देखो अच्छा, ये जो पूरा एरिया आ रहा है, ये पूरा एरिया इरिवर्सिबल, और ये जो बच्चों एरिया आ रहा है, ये वाला रिवर्सिबल, देख लो, देख रहे हो ना, फिर से मैं आओ, ये देखो ये वाला पूरा एरिया, और ये देखो ये जो मैंने एरिया लिया था, ये पूरा एरिया, अगर ये वाला एरिया ले हम पूरा इस केस में रिवर्सिबल वाला में, ई रिवर्सिबल आपको दिखा दूं क्या ये? देखो तो ये वाला एरिया ठीक है, ये वाला दिखा देता हूँ, रेड पेन से दिखा दो हटाओ, ठीक है, और यहाँ पर जाइए रिवर्सिबल, और ये क्या है बच्चों? ई रिवर्सिबल, आप इसको नोट करो बच्चों जल्दी से, बच्चों क्लियर है? क्लियर है बच्चों? रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कहां पर ज्यादा? देखो रिवर्सिबल में सामने देखो तो दिख रहा है, सामने ऐसे भी गए, कंप्रेसर में ऐसे गए, ऐसे वही है रास्ता, देखो ऐसे ही है बस, अब क्या कर रहा है देख रहे हो ना, घट रहा है बोलो, वी इनिशियल से वी फाइनल, अचानक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में एक्सपेंड कर रहा है, प्रेशर कम हो गया, तुरंत वॉल्यूम बढ़ गया, देखो प्रेशर अचानक यहाँ पे आया, फॉल करके तुरंत वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, यहाँ बच्चों प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घट गया, ये पूरा एरिया किसका है? इरिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल ज्यादा है, ये किसका एरिया? रिवर्सिबल का कम हो गया, ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम, कौन ज्यादा? इरिवर्सिबल, कौन कम? रिवर्सिबल, किसमें? कंप्रेशन केस में, इस बात किसमें? एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल, देख लो ये एरिया ज्यादा है, रिवर्सिबल क्या है? एक्सपेंशन में, ये कौन सा? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है, यहां तो बढ़ा जाना है बच्चों, ये कौन सा एरिया? इरिवर्सिबल, ये कौन सा एरिया? यहां से यहां रिवर्सिबल, कौन ज्यादा? इरिवर्सिबल, सामने देखो दिख रहा है, कौन सा? रिवर्सिबल कंप्रेशन केस में देख लेते हैं, ये इरिवर्सिबल कंप्रेशन, ये ज्यादा एरिया हो गया, ये वर्क ज्यादा, ये वर्क कम, ओके प्यारे बच्चों, तो आई होप कि मैंने एकदम कंसेप्ट को क्लियर कर दिया आपको, कोई डाउट आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं बता दूंगा फिर से जो दिक्कत होगी, ओके बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।